Amazon प्रोडक्ट हाफ रेट में चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही जगह आए हुए हो। मैं आपको कुछ ऐसी आइडियाज, टिप्स एंड ट्रिक्स और एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप Amazon के प्रोडक्ट्स को हाफ प्राइस रेंज में या उससे भी कम प्राइस रेंज में आप ले सकते हैं, विथ प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद 3 महीने पहले इस प्लेटफॉर्म से अपने लिए एक प्रोडक्ट मंगाया जो मुझे काफी ज्यादा सस्ता हाफ प्राइस रेंज से भी कम में मिल गया। तो पूरा बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो में कैसा वो प्रोडक्ट था और कैसी उसकी पैकिंग थी और क्या जेन्युइन प्रोडक्ट मेरे पास आया और आखिरकार इतना कम प्राइस रेंज मुझे कैसे मिल गया, सारा कुछ वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और हाँ फिर से कह रहा हूँ एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूँ जिससे आप कम से कम प्राइस रेंज में एक जेन्युइन प्रोडक्ट आप ले लेंगे, कैसे आपको प्रोडक्ट लेना है ताकि कोई भी फेक प्रोडक्ट आपके पास ना आए और जेन्युइन प्रोडक्ट आपके पास आए, और ये काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग में। सो लास्ट तक जरूर देखना। तो इसी में सीधे सीधे बात करते हैं, बिना बातों को गोलमोल किए मैं सीधे सीधे बताता हूँ। ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे Amazon रिन्यूड पे। जी हाँ, Amazon के जितने भी रिन्यूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आपको जो है एक्चुअल प्राइस जो किसी भी प्रोडक्ट का होता है उससे कम पे या उससे आधे प्राइस पे या उसके आधे प्राइस से भी कम पे ये सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब ऐसा क्यों है, ये प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों मिलते हैं, क्या ये प्रोडक्ट सेकेंड हैंड होते हैं, किसी के यूज किए होते हैं, आखिर होते क्या है ये Amazon रिन्यूड प्रोडक्ट, तो इसी के बारे में बात करने के लिए आपको मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको हम और बेहतरीन तरीके से और विजुअलाइजेशन से आपको दिखा सकते हैं और पूरा बता सकते हैं कि क्या Amazon प्रोडक्ट्स हैं। चलिए सीधे स्क्रीन में चलते हैं और बताते हैं कि व्हाट आर द Amazon रिन्यूड प्रोडक्ट्स। तो ये काफी सिंपल सा प्रोसेस है, 4 स्टेप्स का ये जो है प्रोसेस होता है। सबसे पहले कस्टमर बाय अ न्यू प्रोडक्ट, रिटर्न्स विद अ मिनिमल और नो साइन ऑफ वियर एंड टियर, चेक्ड एंड रिस्टोर टू ओरिजिनल वर्किंग कंडीशन बाय द प्रोफेशनल्स एंड सोल्ड एज अ रिन्यूड प्रोडक्ट। अब मैं सिंपल से आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये प्रोसेस क्या है। कस्टमर बायज अ न्यू प्रोडक्ट यानी कि आप जो है एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट Amazon से लेते हैं और मिनिमल टाइम में आप उनको यूज करते हैं, या यूज करने के बाद आपको होता है ऐसा एज यूजल कि प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता, जो आपने मंगाया होता है फोटोज में उसे जो दिखाया जाता है वैसा प्रोडक्ट नहीं मिलता है आपको और आपके लाइक या दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है, तो आप मिनिमल यूज करके उसे जो है एज यूजली रिटर्न कर देते हैं Amazon में, या उसमें कोई टेक्निकल इश्यू होता है तो या उस इश्यू के कारण भी आप जो है उन प्रोडक्ट्स को वापस कर लेते हैं Amazon पे। डायरेक्टली इसको जो है रिन्यूड प्रोडक्ट के नाम से नहीं डाल दिया जाता है Amazon में, क्योंकि Amazon को भी पता है इसमें कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, जो कस्टमर है वो उसे वापस कर रहा है Amazon को, तो इसको पहले चेक करना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है 3rd प्रोसेस होता है जिसमें इसे जो है चेक किया जाता है प्रोफेशनल द्वारा कि ये वर्किंग कंडीशन है कि नहीं है ये प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है तो प्रोफेशनल द्वारा जो है इस पे काफी ज्यादा काम जाता है और जो टेक्निकल इश्यू उसमें होता है उसे सुधारा जाता है, देन इसे सोल्ड एज अ रिन्यूड प्रोडक्ट में सेल किया जाता है। हाँ वही, तो अब तो समझ आ गया होगा कि Amazon रिन्यूड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। काफी अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है कि आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल यही आ रहा होगा कि अब ये Amazon रिन्यूड प्रोडक्ट्स हमें कहाँ मिलेंगे, कहाँ हमें सर्च करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यार Amazon है तो Amazon पे ही जाके आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे क्या करना है तो आप जाइए स्क्रीन पे देख के आइए। हाँ आप जाइए, आप देख के आइए, मैं थोड़ा आपकी आगे की थॉट प्रोसेस को समझता हूँ, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं आपके दिमाग में। तो ये सिंपल सा सिनेरियो है, इन रिन्यूड प्रोडक्ट्स के नीचे एक ग्रीन कलर का टैग लगा होता है, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फोन के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है रिन्यूड। तो जितने भी रिन्यूड प्रोडक्ट्स होंगे उनके नीचे ये ग्रीन कलर से एक टैग लगा होगा रिन्यूड नाम से, और ये काफी ज्यादा अच्छा इसमें डिस्काउंट मिल रहा होगा। अब आपके दिमाग में एक और सवाल और पैदा हो रहा होगा कि लाइक मुझे एक पर्टिकुलर चीज को ढूंढना है, यानी कि एक पर्टिकुलर रिन्यूड प्रोडक्ट को मुझे ढूंढना है, लाइक मुझे एयरफोन चाहिए तो रिन्यूड एयरफोन चाहिए, लाइक फोन्स चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो वो मैं कैसे ढूंढूं। तो ये भी काफी ज्यादा सिंपल सा प्रोसेस है, आपको जस्ट गूगल पे जाना है, Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, Amazon सर्च करके शॉप ऑनलाइन, Amazon की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे आपको जस्ट सर्च बार में सर्च करना है, लाइक मुझे रिन्यूड लैपटॉप्स चाहिए, मुझे रिन्यूड लैपटॉप्स मुझे चाहिए, तो मैं सर्च कर रहा हूँ रिन्यूड लैपटॉप्स, तो आपके सामने यहाँ पे खुद ही ऑप्शन आ जाएंगे सर्च बार में रिन्यूड लैपटॉप्स, और एक पर्टिकुलर कैटेगरी भी आ जाएगी अगर आपको रिन्यूड प्रोडक्ट्स को जो लेस देन 20,000 चाहिए, 30,000, i5 कौन सा चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट, सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो लाइक मुझे रिन्यूड लैपटॉप्स चाहिए, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने पेज ओपन हो जाएगा। लाइक ये वाला जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है ये रिन्यूड नहीं है, क्योंकि
क्योंकि मैंने बताया था जिसके नीचे ऐसा ग्रीन टैग लगा हुआ होगा वही रिन्यूड प्रोडक्ट्स होंगे और उसमें काफी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा। लाइक आप देख सकते हैं 90,000 अप्रोक्सीमेटली का लैपटॉप आपको 46,000 अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है, तो काफी अच्छा डिस्काउंट इसमें आपको देखने को मिल रहा है। और कुछ ऐसे रिन्यूड प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनमें उतना अच्छा डिस्काउंट नहीं आपको देखने को मिलता है। लाइक इसमें आप देख सकते हैं 25,000 अप्रॉक्सीमेटली का लैपटॉप मिल रहा है आपको 28,000 का, तो लगभग 3,000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो उतना अच्छा डील इसमें नहीं मिल रही है। तो आपको स्मार्टली वर्क करके ढूंढना है, रिसर्च करनी है कौन से लैपटॉप या जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं तो किस में आपको फायदा हो रहा है, तो उसी बेसिस पे आप इन रिन्यूड प्रोडक्ट्स को लीजिए। हाँ ठीक है, ये अमेजोन रिन्यूड प्रोडक्ट जो है सस्ते मिल रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के भी हैं। इज इट सेफ और नॉट, ये अमेजोन रिन्यूड प्रोडक्ट्स वो सेफ है कि नहीं है? कोई भी बंदा लाइक मी, जैसे ही मैं हूँ, मैं कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ तो सबसे पहले मैं सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ। आप देख के आइए कि इज इट सेफ और नॉट, देन उसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखाऊं। मैंने खुद इससे एक प्रोडक्ट मंगाया जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो आप पहले इज इट सेफ और नॉट वो देख के आइए, फिर मैं बताता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ, यही वो प्रोडक्ट। अगर मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया तो क्या ये सेफ रहेगा, या मैंने कुछ दिनों तक इस प्रोडक्ट को यूज किया उसके बाद ये खराब हो गया, तो क्या इसके साथ मुझे वारंटी मिलेगी? विल आई गेट वारंटी ऑन रिन्यूड प्रोडक्ट्स? या डेफिनेटली you will get warranty on these renewed products, because यहाँ पे लिखा हुआ है all refurbished and open box products sold on Amazon will come with a card that has the name, phone number and email of warranty provider. या इसका मतलब क्या है, जिस भी renewed product को आप मंगाते हैं उसके साथ एक card आएगा जिसमें जो seller है, जो product आपको बेच रहा है, उसका phone number होगा, email होगा, उस seller का नाम होगा, आप directly उनसे contact कर सकते हैं warranty के लिए। इसमें जो है वारंटी आपको Amazon प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि जो सेलर है, जिस सेलर से आप इस प्रोडक्ट को ले रहे हो, वो सेलर आपको इसमें जो है वारंटी प्रोवाइड करता है। सो Amazon से आपको वारंटी नहीं मिलती है। आपको जस्ट क्या करना है कि अगर ये प्रोडक्ट कोई ख़राब हो जाए, आपको रिटर्न करना है, तो उस तक आपको प्रोडक्ट खुद पहुंचाना पड़ेगा। उस सेलर तक आप प्रोडक्ट पहुंचाओगे तो आपका प्रोडक्ट सेफली रिपेयर होके आ जाएगा। एंड काफ़ी लोगों को लग रहा है कि रिन्यूड प्रोडक्ट जो है वो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट जो है वो बेचे जाते हैं, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं आपको थोड़े से डिफरेंस यहाँ पे बताना चाहूँगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूड प्रोडक्ट्स एंड द सेकेंड हैंड यूज्ड प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो रिन्यूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें टेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाय प्रोफेशनल के द्वारा जो है सर्टिफाइड किया जाता है। सभी टेस्ट करने के बाद जब ये वर्किंग कंडीशन में आ जाते हैं या प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं, तभी इन्हें जो है सोल्ड किया जाता है। जो सेकेंड हैंड और यूज प्रोडक्ट होते हैं उनमें ये जो है टेस्ट नहीं किया जाता है। एंड कम्स विद ऑल एक्सेसरीज, जितनी भी एक्सेसरीज है सबके साथ रिन्यूड प्रोडक्ट को आपको मिलेगी, सारी एक्सेसरीज मिलेंगी, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि सेकंड हैंड प्रोडक्ट में ऑब्वियसली ऐसी चीजें, कोई चीजें मिसिंग भी हो सकती हैं। एंड वारंटी अवेलेबल, सबसे बड़ी बात वारंटी आपको इसके साथ मिलेगी रिन्यूड प्रोडक्ट में, जबकि सेकंड हैंड प्रोडक्ट में कोई भी वारंटी आपको नहीं मिलती है। तो ये बोया एमोन माइक है, जो इस पे एक्चुअल प्राइस लिखा हुआ है 1,995 रुपये, 1,995 रुपीज लिखा हुआ है, और लगभग ये 1,300 या 1,200 रुपये में अमेजोन में मिलता है ब्रांड न्यू। बट अगर आप रिन्यूड, मैंने जब इसे मंगाया था तो ये मुझे 500 रुपये में मिला था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं ढूंढ भी रहा था, तो सडनली मैंने देख लिया कि अमेजोन रिन्यूड पे मुझे 500 रुपये का मिला, जो एक बिग डील और काफ़ी तगड़ी डील मुझे मिली। और जब मैंने प्रोडक्ट मंगाया वो कैसा दिख रहा था वो तो आपको अभी पता चलेगा, आप देखिए आगे जाके देखिए। तो मुझे बस प्राइस रेंज बताना था इसका, जो मैंने लिया 500 रुपये में मुझे पड़ गया था ये, तो देख सकते हैं कितना प्राइस डिफरेंस है और कैसी क्वालिटी, आप देखिए खुद जाइए देखिए, वरना मैं वैसे ही बोलते रहूँगा, आप जाइए देख के आइए। सो हेयर इज माई अमेजोन रिन्यूड प्रोडक्ट बोया M1 माइक। आप इसकी पैकिंग देख के बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये रिन्यूड प्रोडक्ट है, किसी ने यूज़ किया हुआ है, क्योंकि एकदम ब्रांड न्यू क्वालिटी में ये आया है मेरे पास। और ऐसा ही नहीं कि ये केवल खाली बाहर से पैकिंग इसकी अच्छी है, तो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ सारी एक्सेसरीज मिली है कि नहीं। तो इसके अंदर एक ही बैग मिला है जो जिसमें हम अपना माइक कैरी कर सकते हैं, काफ़ी लेदर लुक का है, लेदर का है तो नहीं बट अच्छा है, हम इजीली कैरी कर सकते हैं इसे माइक को, जो सूटेबल है। देखा हमने कहा था कि आपको सारी एक्सेसरीज मिलती हैं और बिल्कुल नया सा लग रहा है ये, इसको साइड में रखते हैं, अभी देखते हैं बॉक्स के अंदर और हमें क्या क्या मिल रहा है, देखते हैं। तो और है हमारे पास बॉक्स के अंदर एक
बोया है मन माइक की मैनुअल बुक, तो इसको रखते हैं अभी साइड में। और क्या क्या है इसके अंदर हमारे पास, देन उसके बाद हमारे पास है बॉक्स में कुछ नहीं है, बॉक्स को रखते हैं साइड। और इसके अंदर हमारे पास एक पिन जो अभी हमारे काम की नहीं है, और जो ये है हमारे पास एक कार्ड, जी हाँ ये हमारे काम की चीज़ है, वारंटी कार्ड है, आप देख सकते हैं इससे आपको वारंटी मिलेगी। हेयर इज़ माई ऑल एक्सेसरीज ऑफ Amazon रिन्यू प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हैं। यहाँ तक मेरी वीडियो देखते हुए आए हैं उनके लिए एक बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स तो बनती है। और पहले आपको Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, जो आपको मैंने नॉर्मली कहा है Amazon पे काम चल रहा है, तो Amazon की ही वेबसाइट पे आप जाएंगे, तो जस्ट जाना है एंड जाके आपको लैप जैसे जो भी चाहिए आपको, लाइक मुझे लैपटॉप्स चाहिए, तो आई विल सर्च फॉर लैपटॉप्स, देन इट विल ओपन द पेज ऑफ द लैपटॉप, तो लैपटॉप का पेज आपके सामने खुल जाएगा। देन आपको लाइक जो फर्स्ट वाला लैपटॉप आपके सामने दिख रहा है जिसका प्राइस है 50,999, तो जैसे आप चाहते हैं कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट आपका हो सकता है, मुझे चाहिए ये वाला लैपटॉप, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं है? तो बेस्ट ऑप्शन जो है कोई भी अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट ले रहे हो उसका जेन्युइन रिव्यू जानने के लिए, जो कस्टमर रिव्यूज़ वाला सेक्शन में आप लास्ट में अगर स्क्रॉल डाउन नीचे करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कस्टमर रिव्यूज़, तो यहाँ पे आपको इमेजेस भी मिल जाएंगी और रेटिंग्स मिल जाएंगी। और क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपके सामने आया होता है, जो दिखाते हैं इमेजेस में, वो काफ़ी जो एडवांस करके और हाई क्वालिटी की इमेजेस दिखा के जो है काफ़ी बेहतरीन लगता है। तो यहाँ कस्टमर रिव्यूज़ वाली इमेजेस में क्या होता है कि आपको जेन्युइन फ़ोटोज़ देखने को मिलती है, जो जेन्युइन प्रोडक्ट आपके हाथ में आने वाला है वो फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलती है। लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जेन्युइन लैपटॉप जो है, क्योंकि ये जो फ़ोटोज़ इमेजेस डालते हैं वो आप डालते हैं या हम डालते हैं जो प्रोडक्ट लेते हैं, वो देख सकते हैं ऐसा प्रोडक्ट है। यहाँ पे काफ़ी ख़राब रेटिंग भी इसकी है और काफ़ी अच्छी रेटिंग भी किसी ने दे रखी है, तो आपको जस्ट यहाँ पे आपको कस्टमर रिव्यूज़ देखेगा, यहाँ पे आपको जो है ओवरऑल एवरेज रिव्यू देखना है, तो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट अगर मिल रहा होगा तो उसकी रेटिंग अच्छी खासी होगी। लाइक इसकी 3.2 है, तो जो मैं इसे प्रेफर नहीं करूँगा, तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रेफर करूँगा जिनकी लगभग 4 रेटिंग तो होनी ही चाहिए, क्योंकि 4 रेटिंग के प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा माना जाता है। और मेरा मानना है अगर आप रिन्यूड प्रोडक्ट ले रहे हो तो 4 रेटिंग से नीचे का नहीं लें, क्योंकि उसमें ख़राब होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। पहली टिप यही है कि आपको जस्ट जो है कस्टमर रिव्यूज़ में जाना है, रिव्यूज़ देख के अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप रिव्यूज़ देख के अगर कोई भी प्रोडक्ट लोगे, जो रिव्यूज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करोगे के बजाय कि प्रोडक्ट को देखने के, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट ले पाएंगे। सेकेंडली मैं क्या कहना चाहूँगा कि जितने भी आप रिन्यूड प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो ऐसे प्रोडक्ट्स को लेने की कोशिश करें जिनमें आपको हाफ प्राइस रेंज से भी कम का डिस्काउंट मिल रहा हो, या जितना उसका एक्चुअल प्राइस है उससे लगभग हाफ प्राइस या उससे कम प्राइस रेंज मिल रहा हो, तो तभी लेने की कोशिश करें, क्योंकि तभी वो चीज़ें लेने में फ़ायदा है जब आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा हो। लाइक 100-200 रुपए का अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वैसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक जैसे मुझे लैपटॉप रिन्यूड चाहिए, तो मैं सर्च करूँगा एंड देन पेज ओपन होगा, तो ये देखिए आप, ओ वाओ व्हाट अ डील, तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पे 119,000 का लैपटॉप आपको 36,000 में मिल रहा है, तो इट्स अ बिग डील, तो आप इसको ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जस्ट इस पे जाइए और इसके कस्टमर रिव्यूज़ पढ़िए, देन आपको रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं लगभग लाइट वेट में इसको 3.9, 3.7 और ओवरऑल जो इसकी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ओरिजिनल फ़ोटोज़ मिलेंगी, ओवरऑल रिव्यूज़ जो मुझे दिख रहे हैं वो भी अच्छे खासे हैं लगभग, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो मैं इसको ले सकता हूँ और डेफिनेटली मैं इसको ले सकता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्काउंट देखने को मिल रहा है।
सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी इसमें प्रोडक्ट होंगे लाइक ये वाला आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, लाइक ये वाला देख सकते हैं 44,000 का 32 में मिल रहा है, तो उतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन से प्रोडक्ट आपको लेने हैं नहीं लेने। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, आई होप यू रियली इंजॉय दिस वीडियो। बस लास्ट में मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कुछ ऐसी नई चीजें सीखना चाहते हैं मेरे से, या कुछ ऐसी आपकी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे से चाहिए जो आप ले सकते हैं मेरे से, जिसे मैं आप तक पहुंचा सकता हूं, तो मैं ऐसा कंटेंट बनाना चाहता हूं जिससे कि जितने भी आप मेरे सब्सक्राइबर्स हों उन तक जेन्युइन कंटेंट पहुंचे और मैं आपको हेल्प कर पाऊं। तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट कर देना कुछ ऐसी चीज है जो आप सीखना चाहते हो, या इन्फॉर्मेशन चाहिए, या किस टाइप का कॉन्टेंट आप लोगों को पसंद है जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनके लिए मैं जो एक जेन्युइन कंटेंट बनाना चाहता हूं, तो प्लीज कमेंट कर देना नीचे। और मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में, और कमेंट करके जाना प्लीज प्लीज कमेंट नीचे कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्दी लेके आऊं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय।